हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फूड एवरी टाइम। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बनाने में भी बहुत ज्यादा आसान है। इस रेसिपी को हम बिल्कुल हलवाई की स्टाइल में बनाएंगे, तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 2 किलो के करीब गाजर ली हैं, जो कलर में काफ़ी रेड हैं, और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया है। अब हम इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी गाजर को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें जिन सामान की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब फुल क्रीम दूध लिया है, 500 ग्राम के करीब मावा, 500 ग्राम के करीब चीनी, चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून बारीक कटे ग्रीन पिस्ता, 2 टेबल स्पून बारीक कटे बादाम, 1 टेबल स्पून काजू और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें सारे कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देंगे। तो यहाँ मैंने कुकर में सारी कद्दूकस की हुई गाजर को डाल दिया है, और अब इसका कवर लगाकर 2 सीटी आने देंगे। सीटी आने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसकी जब सारी स्टीम निकल जाएगी तब इसकी कवर को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 सीटी आ चुकी हैं, कवर हटाएंगे तो ये देखिए गाजर काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई को गर्म करने रखेंगे और कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। तो जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें बॉईल की हुई सारी गाजर को ऐड कर देंगे। गाजर को पहले बॉईल करने के बाद घी डालकर बनाएंगे तो गाजर का हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अच्छे से चलाते हुए सारे पानी को सुखा लेंगे। गैस का फ्लेम हम इस टाइम मीडियम रखेंगे, जब तक कि हलवे का सारा पानी सूख नहीं जाता हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। हमने इस सारे गाजर के हलवे में सिर्फ 1 टेबल स्पून घी डाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़े से ही घी से हलवे का टेस्ट बहुत ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगा। तो अब गाजर का सारा पानी अच्छे से सूख गया है, इसी टाइम सारे दूध को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने फुल क्रीम वाला कच्चा दूध लिया है, आप चाहें तो इसमें बॉईल करके भी डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब इसे लगातार चलाते हुए दूध को मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, और जब सारा दूध अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ जब तक सारा दूध हलवे में अच्छे से सोख नहीं हो जाता, तब तक हम इसे लगातार इसी तरह चलाते जाएंगे। हमें हलवे को ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना है। तो इस टाइम ये पूरी तरह से रेडी है चीनी मिलाने के लिए, तो इसी स्टेज पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मीठा मावा डाल रहे हैं तो चीनी कम ऐड करें, लेकिन हम यहाँ फीका मावा डालेंगे तो गाजर के हलवे की क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ चीनी ज़्यादा डाली है। इस टाइम चीनी ने जो पानी छोड़ा है, हमें उसे अच्छे से लगातार हाई फ्लेम पर चलाते हुए सुखाना है। चीनी हलवे में जब अच्छे से सोख हो जाएगी, उसी के बाद हम इसमें मावा ऐड करेंगे। अभी हम फ्लेम को 2 मिनट के लिए लो कर देंगे, और तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पैन को गर्म करने रखेंगे और इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। घी के गरम होते ही इसमें काजू ऐड करेंगे, साथ ही साथ बादाम ऐड करेंगे, इनके साथ ही इसमें पिस्ता ऐड करेंगे और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको साइड में रख देंगे। तो अब हलवे को चेक कर लेते हैं। यहाँ हलवे को हमने लो मीडियम कर रखा था, और अब हम हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से सुखाएंगे। तो इस टाइम हलवे में चीनी का सारा पानी अच्छे से सोख हो गया है, अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। यहाँ मैं हलवे में 250 ग्राम मावा यूज कर रही हूँ। मैंने ये 500 ग्राम मावा लिया था, उसमें से 250 ग्राम मावा बाद में गार्निश करने के लिए अलग रख दिया है। तो अब मावा हलवे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम घी में फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को ऐड करेंगे। जस्ट अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा इंस्टेंट गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है, जिसे बनाने में मुझे केवल 25 मिनट लगे हैं। अब हम सारे हलवे को एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो सारे हलवे को सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है, अब हम इसे मावे से गार्निश करेंगे। इस मावे को मैंने ग्रेट कर लिया था, आप चाहें तो हलवे को बिना ग्रेट किए मावे से भी गार्निश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बारीक कटे पिस्ता और बादाम से भी इसे गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, आप सबके लिए हमारा डिलीशियस हलवा बनकर रेडी है। तो अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाकर जरूर देखें, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा।
इस हलवे की रेसिपी सबसे डिफरेंट और इजी है, जो दिखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस, अगर आप इस तरीके से हलवा बनाकर खा लेंगे तो आप हलवाई का भी टेस्ट भूल जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।